जी नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिटी लर्न न्यूज़ की तरफ से। आज हम खड़े हैं पहले की तरह, कल की तरह एक व्यस्तम ही मार्ग, पटना यूनिवर्सिटी अशोक राजपथ, और यहाँ पे शांति विकास मंच के सभी सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद हैं, और जो सक्रिय सदस्य हैं सारे लोग दिन रात मेहनत करके जुटे हुए हैं। और यहीं पर एक पटना यूनिवर्सिटी के ही जस्ट अपोजिट में एक अशोक डिजिटल फोटो स्टेट है, और उनके जो संयोजक हैं उनके तरफ से, मतलब वो सक्रिय सदस्य भी हैं शांति विकास मंच के, और उनके अपने आत्मिक लगाव के कारण उनके तरफ से भी सूप ये व्यतीत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, सर क्या इसमें कुछ कहना है आपको, इतने सदस्य का लगाव है? नहीं नहीं, हमारे संस्था में जितने भी लोग हैं सब दिल से जुड़े हुए हैं, और सब लोग का बहुत सहयोग रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। अभी हमारे संस्था की तरफ से सूप और नारियल का वितरण किया जा रहा है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको एक श्रद्धालु आ रहे हैं, और हम आग्रह करेंगे हमारे इनसे, और आप थोड़ा सा सुबेरा दे दिया। और सर आपका क्या है, मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है सर कि कितने दिनों से और इसकी तैयारी चल रही थी? ये करीबन 15-20 दिन से तैयारी चल रही थी। हाँ। वो तैयारी में हम लोग सफल रहे। जी सफल रहे, मतलब बहुत सारे व्रती जो हैं, मतलब वो ले चुके हैं। हम लोग तो थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं अभी आपके इस, और कल के से थोड़ा सा ज़्यादा ये है। ये पीछे देखिए आप, ये बड़ा सा एक लगा हुआ है बैनर शांति विकास मंच का, और काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कवरेज किया है। कल भी हमने बताया था लगभग 400 मीटर पंडाल बारी पथ से अशोक राजपथ। जी आपका सर शुभनाम क्या हुआ? अंकित सिन्हा जी, आप यहीं के सदस्य हैं? हाँ। जी हम लोग बहुत मन से हर साल करते हैं पूजा, और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत लगन से, और आस्था का महापर्व है जिसमें हम लोग बहुत अपना सहयोग दे रहे हैं जी। और जोर शोर से लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो देखिए इतने विशाल एरिया, और यहाँ के जो भी सदस्य हैं सारे दिन रात से लगे हुए हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम सन्नी भास्कर हुआ जी। कैसा लग रहा है अभी? कैसा तो अभी लग नहीं रहा, जब छठ अच्छे से बीत जाएगा तब लगेगा कैसा लग रहा है। अभी जो व्रतियों की आप सेवा कर रहे हैं असली चीज़ तो यही है, वो तो माता पे विश्वास है। इसे छठी मैया की कृपा है, सभी के लिए अच्छा हो, सभी का विकास हो, और हमारा और हमारी संस्था से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और हम लोग संस्था के बारे में कुछ जानकारी सके। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अशोक फोटो स्टेट के जो ऑनर हैं वो सदस्य होते हुए भी एक बहुत ही लगन के साथ सारे लोगों को दे रहे हैं, और हम अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि जितने लोग हैं उनको थोड़ा सा एक रास्ते को जाम नहीं लगाते हुए बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। कि आपका कुछ और वक्तव्य थोड़ा सा आपका देना, हालांकि आपका तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आप तो बहुत ही व्यस्त हैं जी, कुछ बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपको अपने आप से जी। आप सर यहाँ के एक सदस्य हैं? मैं यहाँ का शांति विकास मंच का सचिव बिट्टू मात्रे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अपने आप में गर्व हो रहा है कि बिहार के लिए बहुत ही गौरवशाली ये पर्व है, और आस्था से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, और काफ़ी दिन से हमारे जो महासचिव है धर्मवीर यादव जी, और हमारे शांति विकास मंच के अध्यक्ष महोदय माननीय अमित कुमार जी, उनका बहुत ही शारीरिक से लेकर के दैनिक मेहनत रहा है उनका, हम लोग भी एकजुट रहे हैं, और हमारे जितने भी शांति विकास मंच के, जैसे कि हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो लोग भी जी जान लगा करके इस कार्यभार को सफल बनाने में। इतने बड़े एरिया, मतलब बारी पथ से अशोक राजपथ, इतने बड़े एरिया को एक सीलिंग करके इतने भव्य आयोजन के साथ, मतलब कैसा लगा आप? फीलिंग्स के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आई एम स्पीचलेस, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि कितना अच्छा लग रहा है। और अभी आपके सामने सारा व्यवस्था है, और सूर्य नारायण जी का बहुत भव्य प्रतिमा भी है, जो कि कल पहला अर्घ के दिन उनका कपाट खुलेगा उनका, और हम लोग माता और बहन की सेवा में लगे हैं, और आगे भी भविष्य भी लगे रहेंगे। देखिए हम यहाँ बात किए और जानेंगे, लगातार यहाँ जुटे हुए हैं अशोक डिजिटल, ये अपने आप में शायद ही पटना यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट होगा जो अशोक डिजिटल फोटो स्टेट को नहीं जानता होगा, तो अपने आप में ये एक बहुत ही गौरवान्वित बात है कि इतने लोगों, इतने स्टूडेंट के साथ ये लगातार यहाँ रास चलते हुए व्रतियों को भी सूप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है डबल डेकर पूर्व अशोक राजपथ पर बन रहा है, और उसके वजह से जो रास्ते यहाँ संकीर्ण हो गए हैं,
लेकिन ये ऐसा उत्तम व्यवस्था है कि किन्हीं को लाइन लगने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देख पा रहे हैं कि जो बैक स्टेज के पीछे जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जिनके अथक प्रयास से एक भी व्रतियों को एक सेकंड भी रुकने का मौका नहीं मिल पा रहा है और यातायात व्यवस्था कहीं से भी बाधित नहीं हो पा रही है। और यहाँ देखना ये है कि गाय घाट से लेके, हम लोग तो बहुत सारे क्षेत्र का दौरा किए, ऐसा लग रहा है कि गाय घाट से लेके गांधी मैदान तक ऐसा पहला ये शांति विकास मंच का बड़ा सा एरिया है जो कि कवरेज है संकीर्ण रोड पर। क्या कहना है अध्यक्ष सर? बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारा जो संस्था है वो अभी तक इस साइड में, हमारा गांधी मैदान से लेके यहाँ तक में सबसे बड़ा संस्था है जो कि इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा है। जी, आप भी यहाँ के सर सक्रिय? जी 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 जी। हम लोग कैसा मतलब है यातायात व्यवस्था का? यातायात व्यवस्था सही है, बस कल से थोड़ा भीड़ कम पड़ रही है, बाकी हम लोग तो सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, किसी वाहन को आने जाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, आपके यहाँ मतलब ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या मतलब किन्हीं खास अतिथि को सर आपके तरफ से बुलाया गया है? जी हाँ जी, हमारे बिट्टू भैया जो हैं, जो अभी मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और विनीता भाभी, ये हमारे जो हैं कि खास यहाँ के मेहमान हैं। देख पा रहे हैं यहाँ एक सेकंड भी ऑटो जो है रुक नहीं पा रहे हैं और कार्यकर्ता राह चलते व्रतियों को मतलब उन्हें देखा जाता है कि हर एक मंच पे एक व्रतियों को खड़ा कर दिया जाता है लाइन में और बांटा जाता है सूप वगैरह ये सब, लेकिन यहाँ ऐसी कोई प्रचार का कोई उद्देश्य नहीं है। राह चलते हुए जो भी आदमी हैं, जो भी व्रतियाँ जा रही हैं, उनको ये रोक के एक सेकंड के लिए भी दे रहे हैं ताकि यातायात व्यवस्था भी कभी बाधित नहीं हो। जी, यही कहना चाह रहे हैं सर। और हम देख रहे हैं शांति विकास मंच में होता है कि हर एक आयोजन के लिए आर्थिक युग है, कहीं ना कहीं कुछ फंड की व्यवस्था होती है, तो सर क्या लगता है कि सहयोग मिल रहा है? हाँ, हमको तो लगता है कि लगभग पूरे मोहल्ला हमारे साथ ही साथ हैं, तभी तो हम कार्य को कर पाते हैं। देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे एक है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, तो इनके तरफ से जो बैनर लगा है, मतलब इनके तरफ से कुछ है? इनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और कॉर्पोरेट राशि भी इनसे हमको प्राप्त हुई। अच्छा, क्या लगता है सर, आपका ये टेक्स्ट बुक वगैरह है, आप शांति विकास मंच से जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ सहयोग है, यहाँ पार्टनरशिप बन गई है कुछ ऐसा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात जो है, टेक्स्ट बुक के जो हमारे CEO है आशुतोष सर, खास करके जो ये टेक्स्ट बुक है, एक ये ऑनलाइन कंपटीशन एग्ज़ाम का एक प्लेटफॉर्म है, और पहले तो ये टेस्ट सीरीज में थी और अभी हम लोग सुपर कोचिंग लेके आए हैं, तो इसलिए कि हम लोग से शांति विकास मंच के सहयोग से जो है एक अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं। चलिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि कुछ एजुकेशनल ट्रस्ट के लोग अगर किसी मंच से जुड़ते हैं और किन्हीं को अगर अच्छा समझते हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है कि मतलब इस पर्व के मौके पर एक ऐसी संस्था जो कि अभी ऑनलाइन का जो शेड्यूल चल रहा है उस शेड्यूल पे ये साथ में जुड़े हैं और इनके तरफ से भी बांटा जा रहा है सूप वगैरह के लिए जो आर्थिक सहयोग दिया गया है। और फिर हम आते हैं वापस कि सर अभी थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त दीजिए कि शायद पटना यूनिवर्सिटी का सर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो आपके बारे में नहीं जानता है कि अशोक डिजिटल फोटोस्टेट क्या है, तो सर थोड़ा सा बताइए कि आप स्टूडेंट के लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ऑल कंपटीशन, ऑल स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मतलब जो स्टूडेंट्स पटना से बाहर बिहार में इंडिया में कहीं भी रहते हैं उनको आप ऑनलाइन या कोरियर के द्वारा दोनों सुविधा करते हैं? जी, कोरियर भी करते हैं, स्पीड पोस्ट भी करते हैं। कोरियर करते हैं सर, आपका कोई ऐसा कोई नंबर वगैरह ये सब अगर आपका है तो आप दे सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर हो गया 8539980008। जी, दोबारा सर इसको एक बार से रिपीट कर दीजिए, 8539980008। मतलब किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल हो, किसी भी कोर्स के लिए सर, बिहार झारखंड यूपी हर एरिया में हम आपके सर अभी तो बातचीत चल रही है, PhD वगैरह के जो मटेरियल्स आते हैं जो ये होते हैं उनके लिए भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, PMCH NMCH जो भी हो, सारे के PhD वगैरह हमारे ही वर्क होता है। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि नाम है सिर्फ अशोक डिजिटल फोटो स्टेट, बट इनके पास एक जो अनुभव है शिक्षा का वो एक अलग तरह का ही मायने रखता है कि ये PhD लेवल के भी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं। और सर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अभी लगा हुआ है हमारे ये जो लिखे हुए हैं कंचन देवी, ये इनके बारे में सर बताइए। ये हमारे वार्ड पार्षद हैं। अच्छा, अभी वार्ड पार्षद हैं आप? हाँ। जी, तो अब प्रत्याशी हैं, हमारे मोहल्ला के वार्ड पार्षद भी हैं और ये शुरू से हम लोग के संस्था से जुड़ी हुई हैं। जी, शुरू से ये जुड़ी हुई हैं हम लोग के संस्था से और आज तक हम लोग के साथ सहयोग इनका बहुत अच्छा रहा है, हर चीज़ में साफ सफाई हो,
या हम लोग का ये छठ का जो कार्य है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए, मतलब ये बहुत अच्छा रहा कि इनके तरफ से जो है जितने भी मतलब लोकप्रिय कार्य यहाँ हैं वार्ड पार्षद के रूप में, वो सारे अपना संचालित कर रहे हैं। हाँ जी। चलिए, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं और इनसे ही बात करते हैं। सर, ये वार्ड पार्षद जी हैं, इनके तरफ से क्या सहयोग सर मिल रहा है? मिलता रहा है। वार्ड पार्षद जो हमारे रहे हैं उनसे सहयोग हमें मिलता रहा है हमारे संस्था को, और उम्मीद करते आगे भी मिलता रहेगा। आपका सर क्या नाम हुआ? रिंकू कुमार मेरा नाम है। यहाँ के सभी सदस्य? जी सर। हाँ जी। कैसा लग रहा है इन तैयारियों को देखते हुए? बहुत ही अच्छा और बहुत ही बवाल लग रहा लगता अभी है। आगे 3 दिन जो है और कष्टमय बीतने वाले हैं। जी जी, बहुत अभी हम लोग छठ व्रतियों लोग के लिए ये सब कर रहे हैं, जब जो भी है ये सब उनके लिए कर रहे हैं, और ये कोई बड़ा बात नहीं हम लोग के लिए। हर साल की तरह इस साल भी शांति विकास मंच अपना काम कर रहा जी। चलिए, देखिए इतने बड़े एरिया आप खुद देख पा रहे हैं कि ये कल जो हम लोग रिपोर्टिंग किए थे और अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है, कितने बड़े एरिया को इन्होंने कवरेज किया है, ये अपने आप में मैं बार बार इस चीज़ को दोहराना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि इतने संकीर्ण रास्ते के बावजूद इस डबल डेकर रोड पे अशोक राजपथ में जो निर्माण कार्य प्रगति पर हैं उनको देखते हुए भी एक सेकंड भी रोड पे जाम नहीं लग रहा है इनके कार्यकर्ता के द्वारा। न किसी व्रतियों को लाइन में लगाया जा रहा है और सारे लोग ऑटो पर जाते हुए व्रतियों जो भी हैं खुद जा जा कर वो दे रहे हैं। एक बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा होगा, क्या लग रहा है सर? हम लोग हर साल एक एक साल हम लोग इंतज़ार करते हैं ये सेवा प्रदान करने के लिए। हम लोग पिछले बहुत सालों से कंबल वितरण करते हैं, सूप नारियल वितरण करते हैं, कद्दू वितरण करते हैं, कल हमारे यहाँ दूध का वितरण किया जाएगा, अगरबत्ती हुमा धूप का वितरण किया जाएगा, और जितने छठ व्रतियों को है सभी को सुबह से लेकर रात 24 घंटे 7 दिन हम लोग यहाँ तत्पर हैं। समझिए हम लोग एक ATM बन जाते हैं, 24/7 हम लोग लगे हुए छठ व्रतियों के सेवा में। चलिए, यही है देखिए छठ का एक महान पावन पर्व, ऐसा पर्व जहां सभी लोग बिना किसी मतलब के, आप देख रहे हैं बैक स्टेज पे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं ताकि किसी भी व्रतियों को एक सेकंड की भी देरी नहीं हो और वो सूप वगैरह वितरित कर सके, उनकी सेवा में लगे रहें, तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जब इनके यहाँ भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा जब स्थापित हो तो हम लोग आएँ, और आपसे अनुरोध रहेगा कि जब हम लोग बार बार आएँ थोड़ा सा हमें इस व्यस्तम कार्य के लिए 2-3 मिनट का टाइम जरूर दें। जरूर देंगे आपको समय। गेट से यहाँ संचालन हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ही विशाल एरिया, और सबसे बड़ी खूबी है इतने संकीर्ण रास्तों के बावजूद, इतने संकीर्ण इतने छोटे रास्ते के बावजूद अगर ये कार्य किया जा रहा है तो ये युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है जो कि नई टेक्नोलॉजी के प्रति और मोबाइल के प्रति जाते रहते हैं। तो यही छठ पर्व की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग डिजिटल चैनल के ऊपर न जाके शारीरिक परिश्रम करते हुए एक नए सिरे से समाज में एक भावना देते हैं। तकनीकी युग में भी जो युवा पीढ़ी है एक मिसाल है उन बुजुर्गों के लिए भी जो कि ये समझते हैं कि युवा पीढ़ी कुछ नहीं करती, सिर्फ मोबाइल और डिजिटल में लगी रहती हैं। और ये शांति विकास मंच यही संदेश देने चाहते हैं कि जितने भी युवाएं हैं, चाहे वो बैक स्टेज हों चाहे कुछ हों, और इतने विशाल एरिया को ये सीलिंग के द्वारा, मैंने बार बार कह रहा हूँ, बाहरी पथ से अशोक राजपथ करीब 400 से 500 मीटर अपने आप में मिसाल है। इस संकीर्ण रास्तों के बावजूद लोगों तक जा के एक सूप वितरण करना, एक नारियल वितरण करना, एक पूजा के लिए एक भगवान सूर्य के प्रति अपनी आस्था दिखलाना, यही इस संस्था का मकसद है, समाज सेवा ही इसका मकसद है। मैं सुजीत कुमार सिटी लॉ न्यूज़ की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज खरना का महान पर्व है और कल यहाँ भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा जब यहाँ पर जब स्थापित होगी तो हम लोग फिर आपको उसको दर्शन कराएंगे जी। धन्यवाद।